Dear viewers, please subscribe the video if you like. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड मिडल और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सराउंडिंग्स या फिर एनवायरनमेंट। सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मिडल और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। साइकेट्री में थेरेपी इन्वॉल्व जो करता है मिलियू को या एनवायरनमेंट को, उसको हम बोलते हैं मिलियू थेरेपी। जो थेरेपी मिलियू या फिर एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं मिलियू थेरेपी। सो मिलियू थेरेपी क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट है, स्ट्रक्चर्ड है और मेंटेन्ड है एज एन आइडियल डायनेमिक सेटिंग इन विच टू वर्क विद द क्लाइंट। इंक्लूड करता है सेफ फिजिकल सराउंडिंग, ऑल द ट्रीटमेंट टीम मेम्बर्स एंड अदर क्लाइंट। सो दिस इज मिलियू थेरेपी। अब हम जाते हैं पर्पस ऑफ मिलियू थेरेपी। क्या है पर्पस ऑफ मिलियू थेरेपी? तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है करेक्ट द रीडिफाइंड परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसेस। पहला पॉइंट है करेक्ट द रीडिफाइंड परसेप्शन ऑफ स्ट्रेसेस। सेकेंड है करेक्ट करना है मैल अडेप्टिव बिहेवियर को। तीसरा है डेवलप करो अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म को। फोर्थ है अक्वायर इंटरपर्सनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। स्किल एक्वायर करना है इंटरपर्सनल और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनिपुलेट करना है एनवायरनमेंट को सो दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड थेरेप्यूटिक। अचीव करना है क्लाइंट का ऑटोनॉमी, मीन्स किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और साथ ही साथ क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न अडेप्टिव कोपिंग इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप स्किल दैट कैन बी जनरलाइज टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। तो ये थे पर्पस ऑफ मिलियोथेरेपी की। पहले हमको करेक्ट करना है स्ट्रेसेस को, मैलअडेप्टिव बिहेवियर को करेक्ट करना है, डेवलप करना है उसमें अडेप्टिव कोपिंग स्किल्स को, इंटरपर्सनल और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप करना है, मैनिपुलेट करना है एनवायरनमेंट को ताकि इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम एक्सपीरियंस कर सके, थेरेप्यूटिकली कंसिडर कर सके एंड अचीव कर सके क्लाइंट ऑटोनॉमी को। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मिलियू थेरेपी। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मिलियू थेरेपी? पहला पॉइंट है प्रमोट अ फंडामेंटल रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल। सेकेंड पॉइंट टू यूज़ द अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड स्टाफ ताकि मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट हो सके। थर्ड है एनकरेज करना है क्लाइंट को टू कट एट अ लेवल इक्वल टू देयर अबिलिटी एंड टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम। प्रमोट करना है सोशलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपसी तालमेल हो, बातचीत हो सोसाइटी में। प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्लाइंट्स टू बी पार्ट ऑफ यूनिट मैनेजमेंट, सारे मेंबर्स एक यूनिट फॉर्म करें और आपस में मैनेज करें। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। उसके अलावा पीयर प्रेशर इज यूटिलाइज्ड टू इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। टीम अप्रोच को यूज़ किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। नर्स फंक्शन करती है इन अ वे दैट कंसिस्टेंटली प्रमोट दिस गोल्स। सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए नर्स हेल्प करती है या फंक्शन करती है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मिलियू थेरेपी। फर्स्टली हमने देखा प्रमोट करना है फंडामेंटल रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, यूज़ करना है अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड स्टाफ फॉर मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट, एनकरेज करना है क्लाइंट को टू कट एट अ लेवल इक्वल टू देयर एबिलिटी ताकि उनका सेल्फ एस्टीम एनहांस हो सके। सोशलाइजेशन प्रमोट करना है, इंडिविजुअल्स को हेल्ड करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। पीयर प्रेशर को यूटिलाइज करता है ताकि रिइंफोर्स कर सके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। टीम अप्रोच का यूज़ किया जाता है। लास्टली ग्रुप डिस्कशन का यूज़ किया जाता है फॉर एक्टिंग आउट द बिहेवियर, और नर्स एक्ट करती है ताकि इन गोल्स को प्रमोट कर सके। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ मिलियू थेरेपी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलियू थेरेपी। सो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंड ओपन कम्युनिकेशन, थर्ड इज स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन, फोर्थ इज वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, फिफ्थ कम्युनिटी एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस, और लास्ट है अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू मीट द डेवलपमेंटल नीड। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, हम डिटेल में जाएंगे वन बाय वन। सो पहला पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका तात्पर्य है कि मिलियू थेरेपी इन्वॉल्व करता है फ्लैटनिंग द कंट्रोल हायरार्की ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स को बात करने का मौका दिया जाए ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे सके। और ये प्रोसेस इंक्लूड करता है पूरे पॉपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट। गवर्निंग काउंसिल एक फाइनल डिसीजन लेकर बता देता है जो कि बेस्ड होता है छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स क्लाइंट्स के ओपिनियन पर।
तो ये है पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबको मौका दिया जाता है बात रखने का ताकि एक अच्छा डिसीशन मेकिंग हो सके। पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाता है ट्रीटमेंट यूनिट का, तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेकेंड इज ओपन कम्युनिकेशन। इन दिस थेरापी ट्रीटमेंट डिसीशन आर ऑफन मेड बाय क्लाइंट देमसेल्फ, इसलिए उनको पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लाइंट और स्टाफ को अवेयर होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट गोल्स हैं ताकि वो उस पर अपना काम कर सकें। सो दिस इज़ ओपन कम्युनिकेशन। थर्ड इज स्ट्रक्चर्ड इंट्रैक्शन। ये एक इंट्रैक्शन अप्रोच है जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स क्लाइंट को अप्रोच करते हैं एक कंसिस्टेंट मैनर में, एक्नॉलेज करते हैं स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एरियाज और फोकस करते हैं थेरापी ट्रीटमेंट टाइम को शॉर्टन करने में। सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड इंट्रैक्शन, मींस एन इंट्रैक्शन अप्रोच जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स क्लाइंट को अप्रोच करते हैं एक कंसिस्टेंट मैनर में, एक्नॉलेज करते हैं स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एरियाज को और ट्रीटमेंट टाइम को थेरापी के शॉर्टन करते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसमें पहले क्लाइंट चूज़ करता है कि किस तरह का वर्क उनको परफॉर्म करना है, और सेकेंडली वर्क एक्टिविटी को हम डेवलपिंग स्किल की तरफ गियर करके यूटिलाइज करते हैं या फॉर्म करते हैं ताकि एक्चुअल जॉब में उसको यूटिलाइज कर सकें। और थर्डली हम बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी मिल सके उनको डिफरेंट एरियाज़ को टेस्ट करने के लिए और सेलेक्ट कर सके फ्यूचर जॉब इंटरेस्ट को। तो ये है वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिनमें हम क्लाइंट से पहले चूज़ करने बोलते हैं किस टाइप का वर्क उनको करना है, सेकेंडली हम उस वर्क एक्टिविटी को इस तरह से डेवलप करते हैं, गाइड करते हैं ताकि स्किल जो हो डेवलप हो सके और वो एक्चुअल जॉब में सिचुएशन में यूज़फुल हो, और थर्डली बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी मिले और टेस्ट कर सके कि किस एरिया में उनका इंटरेस्ट है। सो दिस इज़ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिफ्थ हम देखेंगे कम्युनिटी एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्लाइंट को हम उनके यूजुअल एनवायरनमेंट में रखते हैं, जैसे कि डे केयर सेंटर, हाफवे होम्स, और उनकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उनको कंटिन्यू करने देते हैं साथ साथ ट्रीटमेंट, उनका एक्टिविटी भी चलता रहेगा और ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू मीट द डेवलपमेंटल नीड। इंडिविजुअल क्लाइंट को फुल पोटेंशियल डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि वो उस एनवायरनमेंट से कोप अप कर सके या फिर अडेप्ट हो सके, कि जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। अडेप्टिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं यू में टू ऑल एज ग्रुप्स एंड द इंक्लूजन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो क्लाइंट है और उनके फैमिली मेम्बर्स है जो कि अलग अलग एज ग्रुप के साथ, तो उनके सब के साथ उनका जो तालमेल है वो एडजस्ट हो सके और साथ ही साथ उनके नीड्स को हम फुलफ़िल कर सके, तो ये एक चैलेंज रहता है और इसमें उनको अडेप्ट होना है। सो दिस इज पॉइंट इज सिक्स, अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू मीट द डेवलपमेंटल नीड। सो दिस वॉज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलियू थेरापी। पहला हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंड ओपन कम्युनिकेशन, थर्ड था स्ट्रक्चर्ड इंट्रैक्शन, फोर्थ था वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, फिफ्थ कम्युनिटी एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस, एंड सिक्स्थ अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरमेंट टू मीट द डेवलपमेंटल नीड। अब हम जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिलियू थेरापी, पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है मेंटेनिंग सेफ एनवायरमेंट, द ट्रस्ट रिलेशनशिप, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, लिमिट सेटिंग्स। तो ये चार है कंपोनेंट। तो पहला हम देखते हैं मेंटेनिंग सेफ एनवायरनमेंट, हमको क्या क्या ध्यान रखना है मेंटेनिंग सेफ एनवायरनमेंट के लिए, कुछ पॉइंट्स है उसे हम समझ जाएंगे। पहला है डिस्पोज ऑफ ऑल नीडल्स सेफली एंड आउट ऑफ रीच ऑफ क्लाइंट। सेकेंड है डू नॉट अलाउ स्मोकिंग, स्मोकिंग अलाउ नहीं करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, मॉनिटर करना है यूज़ ऑफ मैचेस एंड लाइटर्स ताकि आग ना लगे। कीप अवे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द पेशेंट, identify potential weapons, mop handles या फिर hammer जिससे वो खुद को इंजर ना करें। do not leave medicines unattended or unlocked, be aware of items that are harmful if ingested, for example mercury in monometer। तो ये था पहला पॉइंट मेंटेनिंग सेफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमको needles को properly dispose करना है ताकि patient के reach में ना आए, smoking allow नहीं करना है, restrict करना है, monitor करना है use of matches, lighters, sharp instruments आसपास नहीं रखना है, potential weapons को नहीं रखना है जिससे वो खुद को नुकसान ना पहुँचाए, और medicines को हमको ऐसे नहीं छोड़ना है, और be aware of the items that are harmful if ingested। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं द ट्रस्ट रिलेशनशिप। ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट की है फॉर थेरापेटिक एनवायरनमेंट, ये फाउंड करता है थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए और साथ ही साथ
लिमिट सेटिंग के लिए भी हेल्प करता है। सो सेकेंड इज ट्रस्ट रिलेशनशिप। तीसरा है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सेट एंड मेंटेन लिमिट्स, एक्सेप्ट द क्लाइंट एज अ पर्सन, नॉन जजमेंटल एट ऑल टाइम्स, बी नॉन जजमेंटल एंड स्ट्रक्चर द क्लाइंट्स टाइम एंड एक्टिविटीज। इनिशियली प्रोवाइड द क्लाइंट विद टास्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज, अलाउ द पे क्लाइंट टू मेक हिज ओन डिसीजंस व्हेनेवर पॉसिबल। तो ये था बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम में हमको सेट करना है, मेंटेन करना है उसके लिमिट्स को, एक्सेप्ट करना है एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, स्ट्रक्चर करना है उनके टाइम को और उनके एक्टिविटीज़ को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना है और अलाउ करना है कि वो अपना डिसीजन ले ले जब भी पॉसिबल हो। सो दिस इज सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग। नाउ लास्ट पॉइंट इज लिमिट सेटिंग। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट को हमको पहले से क्लियरली, डायरेक्टली या सिंपली उनके क्या लिमिट्स है वो बता देना है, और अगर वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं वो भी हमको स्टेट कर देना है, क्लियरली बता देना है। सो दो चीज़ बताना है, उनकी लिमिट्स क्या है और उस लिमिट को क्रॉस करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो दोनों चीज़ें उनको पहले से क्लियरली, सिंपली, डायरेक्टली बता देना है। सो दिस वॉज फोर्थ पॉइंट, लिमिट सेटिंग्स। दिस वॉज द कंपोनेंट्स ऑफ मिलियो थेरेपी, मेंटेनिंग सेफ एनवायरमेंट, ट्रस्ट रिलेशनशिप, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम और लास्ट द लिमिट सेटिंग। अब हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम। मिलियो थेरेपी में जो टीम है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, जिसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम। तो वो इंक्लूडेड है साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिक नर्स, मेंटल हेल्थ टेक्नीशियन, सोशल वर्कर, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, साइकोड्रामेटिस्ट, डाइटिशियन एंड कैप्लन। टीम है जो मेंटल हेल्थ टीम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है इसमें द इंटरडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिलियो थेरेपी। तो पहला है एडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है, मिलियो थेरेपी क्रिएट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड और बिहेवियर को इन द पेशेंट, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो एक घर के जैसा है, इसलिए जो एटीट्यूड और वो बिहेवियर है वो डिफरेंट टाइप का क्रिएट होता है। सेकेंड है, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग अ सिक रूल द पेशेंट मेक डिसीजन इन द वार्ड मैनेजमेंट एंड केयर फॉर द अदर पेशेंट, और इस तरह से वो लेस डिपेंडेंट है और पैसिव रोल एक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है, पेशेंट एक बिहेवियर अडॉप्ट करना सीख जाता है जो कि एक्सेप्टेबल है इन थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट, लाइक कंट्रोलिंग हॉस्टिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज, द पेशेंट लर्न्स टू मेक डिसीजन विच इम्प्रूव हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिफ्थ, मिलियो इंक्लूड सेफ फिजिकल सराउंडिंग, ऑल ट्रीटमेंट टीम मेंबर्स एंड अदर क्लाइंट्स, विच इज सपोर्टेड बाय क्लियर एंड कंसिस्टेंटली मेंटेन लिमिट्स एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस। ये एक सेफ फिजिकल सराउंडिंग प्रोवाइड कर रहा है टीम मेंबर्स के साथ, जहाँ पर फुल सपोर्ट दिया जा रहा है क्लाइंट को, अपने बिहेवियर को डेवलप कर सके और लिमिट्स को मेंटेन कर सके। थेरेप्यूटिक मिलियो एक सेफ स्पेस है, नॉन पनिशिव एटमॉस्फेयर है, जो कि कम करता है उनके एनवायरमेंटल स्ट्रेस को, उसे चांस मिलता है कि वो नर्चर कर सके अपने आप को, टाइम दे सके फोकस करने में फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव और सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। पेशेंट डेवलप करता है हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, सोशल सेंट्रिक होता है और साथ ही साथ लर्न्स टू लिव एंड थिंक कलेक्टिवली विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये थे 10 एडवांटेजेस ऑफ मिलियो थेरेपी। पहला था, डिफरेंट तरीके का बिहेवियर एटीट्यूड डेवलप करता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो घर के जैसा है, एक रोल की जगह वो एक डिसीजन मेकर बनता है वार्ड मैनेजमेंट में और लेस डिपेंडेंट होता है, एक बिहेवियर अडॉप्ट करता है जो कि एक्सेप्टेबल है थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट में, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग करता है जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है, सराउंडिंग में है जहाँ के टीम मेंबर्स का सपोर्ट है, ऐसे स्पेस में वो रह रहा है जो कि नॉन पनिशमेंट एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कम करता है और खुद को नर्चर करने के लिए मदद करता है, और साथ ही साथ टाइम मिलता है कि अपने स्ट्रेंथ पर वो डेवलप कर सके, फोकस कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव वो ढूंढ सकता है। इसके अलावा वो दूसरों के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप फॉर्म करता है, लीडरशिप स्किल डेवलप करता है, सोशल सेंट्रिक बन जाता है और थिंक कलेक्टिवली विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी।
नाउ अपन देखेंगे डिसएडवांटेजेस। पॉसिबिलिटी की रोल ब्लरिंग हो सकता है बिटवीन स्टाफ ऑफ द पेशेंट, मीन्स किसका क्या रोल है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड है ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ईजिली बिकम नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबको लगता है कि सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। थर्ड है इंडिविजुअल नीड्स एंड कंसर्न मे नॉट बी मेट, केसेस ये चांसेस हो सकता है कि जो नीड्स है वो मेट नहीं हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो कम्युनिटी में ट्रांजिशन हो, हॉस्पिटल से ट्रांजिशन टू द कम्युनिटी किसी किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। थेरेपी इज लिमिटेड टू ओनली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाती है। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन इज नीडेड एज अ पार्ट ऑफ स्टाफ स्किल, रेशियो जो है क्लाइंट टू स्टाफ का वो कम है, एंड इसमें कंटिन्यूस हमको ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है बिटवीन ऑल स्टाफ एंड क्लाइंट। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। नर्सेस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक मिल्यू, दे आर इन्वॉल्व इन द असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ ऑल ट्रीटमेंट प्रोग्राम। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन वो हमको पता है कि एक क्रूशियल रोल प्ले होता है नर्स का, वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, असेसमेंट में, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ ऑल ट्रीटमेंट प्रोग्राम, जिसको हम नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब हम इस पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स पे समझेंगे कि क्या है एक्चुअली रोल ऑफ नर्स। तो पहला पॉइंट आप देखते हैं, नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, क्लाइंट मस्ट बी एनकरेज टू परफॉर्म एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल इन फुलफिलिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा हम देखते हैं रियलिटी ओरिएंटेशन फॉर क्लाइंट्स हु हैव डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और हु आर डिसओरिएंटेड आर कन्फ्यूज्ड इन थेरेप्यूटिक मिल्यू। थर्ड, नर्सेस को इंश्योर करना है कि क्लाइंट ने पूरे शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ को लिख लिया है और उसको वो समय से तय समय में कंप्लीट कर रहा है या फिर अचीव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन शॉर्ट टर्म यूनिट्स नर्सेस हु आर डीलिंग विद साइकोटिक क्लाइंट यूजुअली रिलाई ऑन बेसिक एक्टिविटी और टॉपिक्स दैट हेल्प कीप पीपल ओरिएंटेड। नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट्स। अ मेजर फोकस ऑफ नर्सिंग द थेरेप्यूटिक मिल्यू इज द वन टू वन रिलेशनशिप विच ग्रोज आउट ऑफ अ डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड नर्स। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग लिमिट्स ऑन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द थेरेप्यूटिक मिल्यू। लास्ट है द रोल ऑफ क्लाइंट टीचर इज इम्पॉर्टेंट इन द साइकेट्रिक एरिया एज इट इज़ इन ऑल एरियाज ऑफ नर्सिंग, नर्सेस मस्ट बी एबल टू लर्न असेस लर्निंग रेडीनेस इन इंडिविजुअल क्लाइंट। मीन्स हमको पहले से हमको अंडरस्टैंडेबल टर्मिनोलॉजी में बता देना है कि कौन से बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कौन से लिमिट्स हैं जिसको वॉयलेट करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लिमिट्स को स्टैब्लिश करना है, लिख के रखना है और उनको समझाना है। तो ये था रोल ऑफ नर्स और कुछ पॉइंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिल्यू थेरेपी हमने मीनिंग देखा, पर्पस, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टीम और लास्ट में हमने देखा रोल ऑफ नर्स। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।